बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, टिकटॉकर आशा अकरम की मुबैना तौर पर नाज़ेबा किस्म की तीसरी वीडियो भी मंजरे आम पर आ चुकी है। नाज़रीन, दो वीडियोस ऐसी थी जो कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में आपको दिखा दी, मैं उसका लिंक दोबारा दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर दोबारा देख सकते हैं। ये जो तीसरी वीडियो आई, एक तो वो बिल्कुल तौर पर नाज़ेबा किस्म की थी, मुबैना तौर पर वो वीडियो आयशा अकरम की ही है। वो उस वीडियो में मुकम्मल तौर पर देखी जा सकती है कि वो एक लड़के के साथ बैठी हुई है, बिल्कुल जुड़कर और बड़ी वो खुलकर उससे गुफ्तगू कर रही है। उसके साथ कोई फ्लाइंग किस नहीं बल्कि बोसो कनार हो रही है। नाजरीन, वाजह तौर पर वो वीडियो में देखा जा सकते हैं। मैं उसकी जात पर तनकीद नहीं कर रहा, ये उनका जाती और पर्सनल मामला था, ठीक है, लेकिन पर्सनल तब तक रहता है जब उन दोनों के दरमियान रहो। जब ये वाकया और ऐसा स्कैंडल, ऐसी वीडियोस जब पब्लिक में चली जाती है, सोशल मीडिया पर चली जाती है, तो यकीनन ये मामला जो है ये सोशल मीडिया पर आ जाता है, पब्लिक के दरमियान आ जाता है। अब उस वीडियो में बड़ी हैरानकुन बात है जो आयशा और वो लड़का कह रहा है। नाज़रीन, पहले ही मुझे अंदाजा था मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ ये एक फुल प्रूफ ड्रामा है, फुल प्रूफ प्लानिंग थी। ये पाकिस्तान के अंदर आयशा अकरम ने सस्ती और गंदी शोहरत हासिल करने के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नेशनल सतह पर इस इशू को उठाया गया। उस वीडियो में आयशा ने एक बात एक्सेप्ट की। नाज़रीन, जो उस वीडियो में रैम्बो तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक लड़का जरूर देखा जा सकता है, एग्जैक्टली वो रैम्बो ही होगा। रैम्बो इसे कहता है कि अगर तुमने मशहूर होना है, फेमस होना है, तो तुम एक ऐसा स्कैंडल सामने लाओ। क्या तुम ऐसा स्कैंडल सामने लाना चाहती हो? उस वक्त आयशा कहती है कि वो इसको बोसुकनार होती है, फिर वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ ऐसा स्कैंडल बनाओ, हम इसको पब्लिक करते हैं और फेमस हो जाएंगे। नाज़रीन, ये वो वीडियोस हैं जो आयशा और रैम्बो के दरमियान वीडियोस बनती रही। इससे पहले भी आयशा की नाज़ेबा वीडियो सामने आई, एक और वीडियो आयशा की रैम्बो के साथ गले लगकर बोसुकनार होने की वीडियो सामने आई। अब नाज़रीन, इसमें बड़ी खास चीज ये सामने आती है कि आयशा ने फेमस होने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई भी कदम उठा सकती थी। उस वीडियो की मुनासबत आज ये चीज सामने आ चुकी है। अब ये वीडियो लीक कौन कर रहा है, कौन कर रहा है वीडियो लीक? अगर ये वीडियो आयशा और रैम्बो की थी तो यकीनन इन दोनों में से या तो रैम्बो ये वीडियो लीक कर रहा है आयशा को आप बदनाम करने के लिए, या आयशा और रैम्बो की बाहमी रजामंदी से ये वीडियो वायरल की जा रही है ताकि आयशा जो है ये लोगों की नजरों में एक बार फिर आ जाए और इस स्कैंडल पर लोग बात करना शुरू कर दें, लोग प्रोग्राम करना शुरू कर दें और ये फेमस हो जाए। ये मेरी बात याद रखिएगा, जो ऐसी गंदी शोहरत हासिल करने के लिए पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, यकीन माने कि उनके लिए जो रास्ता होता है ना इस शॉर्टकट फेमस होने का, ये बहुत कम होता है और इसका आखिरी जो रास्ता होता है वो तकरीबन जेल होती है। और आयशा के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं, यकीनन ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। इसके खिलाफ थानों में दरख्वास्त दे दी गई है, इसके खिलाफ नौकरी से इसे बर्खास्त करने की दरख्वास्त दे दी गई है। अगर आपने आयशा की वो वीडियो देखनी है, वो गुफ्तगू सुननी है, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को चेक करेंगे या मेरी इंस्टाग्राम पर जाकर मलिक शाहज़ेब 222 लिख कर आप जाकर इंस्टाग्राम की स्टोरी में वो वीडियो देख सकते हैं। आम अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस कर ले। मिलते हैं फिर प्रोग्राम में, जल्द जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।